अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद शफ़ी। अच्छा, आप लोगों को लास्ट एक दो वीक से हम कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम आपको इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू ट्रेड इन गोल्ड, अदर कमोडिटीज़, फॉरेक्स मार्केट्स, करेंसीज, स्टॉक मार्केट्स वगैरह। तो अब ये है कि देखें, इन तमाम चीज़ों में ट्रेडिंग के लिए एक बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो बेसिक नॉलेज हमारे इन वीडियोस के थ्रू, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू ऑब्जेक्टिव है कि आपको वो बेसिक नॉलेज जो है वो समझा दीजिए। ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, आप में से जिन लोगों ने लास्ट वीडियो को रेफ़र नहीं किया वो उस लास्ट वीडियो को रेफ़र भी करें, मैंने एक बात की थी कि ये जो कमोडिटीज़ हैं, ये जो स्टॉक्स हैं, इनकी जो ड्राइविंग फोर्स है कि इनकी प्राइसेस क्यों फ्लक्चुएट होती हैं, इनमें एक मेजर फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मैं आज कुछ डिमांड सप्लाई को मज़ीद एलाबरेट करूँगा, मज़ीद आपको एग्जांपल्स के थ्रू बात समझाने की कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो के अंदर। ठीक, देखिए, लोग मेरे से अक्सर ये सवाल करते हैं और मैं देखता भी हूँ कि लोग काफ़ी जो ट्रेडिंग वगैरह में नए नए एंटर होते हैं, लोगों की एक उमूमन इन्वेस्टर्स की परसेप्शन ही होती है या बहुत सारे लोगों का एक आइडिया होता है कि यार हम सिर्फ और सिर्फ ना मार्केट्स में इन्वेस्ट करें खबरें सुन के, न्यूज़ देख के, कि किसी ने बोल दिया भाई यार ये वाला शेयर ले लो, यार मेरे उस दोस्त ने कह दिया ये वाला शेयर सेल कर दो तो मैंने सेल कर दिया, यार मेरा वो ब्रोकर कह रहा है ये शेयर बढ़ने वाला है तो बढ़ा दो। देखिए, इन तमाम चीज़ें अपनी जगह पे कि आप किसी की न्यूज़ पे अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे, बेस्ट अगर आप गेन कमाना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपकी अपनी थोड़ी रिसर्च और हालात हाज़रा मीन सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर नज़र अगर आपने अच्छी रखी हुई ना तो देखें, लॉस से कोई बचने की तो गारंटी नहीं दे सकता लेकिन चांसेस आपके काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। जैसे लोग मेरे से सवाल करते हैं, सर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कोई शेयर बाय करना चाहिए, कोई शेयर सेल करना चाहिए, सर हम कैसे डिसाइड करें कि हम कोई करेंसी बाय करें सेल करें, सर हम कैसे डिसाइड करें कि हम जो है वो कोई कमोडिटी लाइक गोल्ड सिल्वर, कोई और कमोडिटी लाइक एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, कॉटन बीफ वगैरह, इन सब की बाइंग सेलिंग करें। तो देखें, आपको सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे जो है ना वो नज़र रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कोरोना एनवायरनमेंट की बात करें, वायरस एनवायरनमेंट की बात करें, तो वायरस एनवायरनमेंट के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है और आइंदे के लिए ख्याल रखना है। कहते हैं दुनिया में जब भी कोई बुराई आती है ना तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो गोल्ड होती है, तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाती हैं। आप देखिएगा कि ये जो कोरोना एनवायरनमेंट था इसमें गोल्ड प्राइसेस बढ़ी। अब सर क्यों? देखिए, होता अमूमन ये है कि यार जब एक बंदे के पास पैसा है ना वो तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा होता है, जब इकोनॉमीज़ डाउन होती है ना तो लोग अपने पैसे को किसी भी बिज़नेस में लगाते हुए डरते हैं कि यार बिज़नेस में पैसा लगाऊंगा डूब ना जाए, लोग अपने पैसे को स्टॉक्स में लगाते हुए डरते हैं कि यार इक्विटी मार्केट स्टंबल हो रही है, ज़ाहिर बिजनेसेस बंद होंगे, कंपनीज परफॉर्म नहीं करेंगे तो कैसे कमाएंगे, कैसे डिविडेंड्स वगैरह देंगे। तो बताओ, जब इक्विटी मार्केट्स का पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है कि यार इक्विटी मार्केट्स डाउन हो रही है मैं उसमें इन्वेस्ट ना करूं, बिजनेसेस में इन्वेस्ट ना करूं, तो लोगों के पास एक ही जगह बचेगी क्या? गोल्ड। तो लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं। तो आप देखो, गोल्ड में जब लोग पैसा लगाते हैं वही डिमांड सप्लाई, डिमांड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाएगी। सिमिलरली आपको पता चला कि यार कहीं जो है ना कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई ऐसी डिजीज आ गई जिसने कहीं में ना फसलों को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर दिया, तो अब फसलों को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर दिया, फसलें तबाह हो गई, तो दैट मीन्स उस फसल की सप्लाई जो है वो अब कम हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, मार्केट में कम आ गई ना, ख़राब हो गई टाइम। तो भाई जब मार्केट में सप्लाई कम आएगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ उसकी भी प्राइसेस को क्या करेगी? बढ़ाएगी। जैसे अब आप देखें कि यार ये जो लोकस्ट अटैक्स होते हैं, तो लोकस्ट अटैक्स वो आप सुनते हैं ना भाई न्यूज़ वगैरह में, कहीं फसलों को डैमेज कर दिया, कहीं बहुत ज़्यादा आग लग गई, कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ गई किसी मुल्क में, तो फॉर एग्जांपल कॉटन की जो है ना वो क्रॉप सारे जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, मेजॉरिटी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो आप पता है कि यार एक्सपेक्टेशन से कम कॉटन आएगी मार्केट में, ये चीज़ एक लिमिटेड सप्लाई क्रिएट करेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइसेज जो है वो क्या होंगी? बढ़ेंगी। सिमिलरली आप इंटरनेशनल हालात में ये देखें कि यार मिसाल के तौर पर ना कहीं वॉर हो जाती है, और ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे वॉर हो जाती है जहाँ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, ये तो आपने देखा ही होगा, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है अक्सर और बेशतर वो वॉर्स और डैमेजेस का शिकार है। तो जब ये मिडिल ईस्टर्न नेशन, ये खास तौर पे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन में कोई मसला आता है, वॉर्स वगैरह क्रिएट होती है, ऑयल प्राइसेज अब जानी, आप ऑयल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ के जो कुएँ हैं, वहाँ की जो फ्यूल सप्लाई वो डिस्टर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइसेस बढ़ेंगी। इसी तरीके से अभी आप देखें बहुत सारे एनालिस्ट ये कहने लगे हैं कि यार फ्यूचर में जो है ना वो क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरेंगी। अब जब जेट फ्यूल डिमांड क्रिएट होती है, एयरलाइंस ऑपरेट कर रही होती हैं, फ्यूचर में ट्रैवल इंडस्ट्री भी बढ़नी है, तो लोगों की एक उमूमन एक्सपेक्टेशन होगी फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे एनालिस्ट कह रहे हैं यार गोल्ड में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड गिर जाएगा, सॉरी ऑयल की मैं बात कर रहा था, कि ऑयल जो है ना लॉन्ग टर्म में गिर जाएगा, ऑयल में आप इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? अगेन आपको आसपास की इन्फॉर्मेशन बहुत देखनी, ठीक है। आपने देखा है दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाह रही है, लाइक विंड पावर,
ठीक है, लाइक सोलर पावर, इलेक्ट्रिक कार्स। तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रिक कार्स कॉमन हो जाएंगी, सोलर पावर कॉमन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो बिजली पैदा होती है, लेट सपोज ऑयल से, आज वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है ऑयल की डिमांड जो है वो कम होगी। तो लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जब ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम आ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉन्ग टर्म में ऑयल प्राइसेस गिरेंगी, बिकॉज उसकी जो है वो डिमांड गिरेगी। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह दूसरे लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं, उस तरह आपको भी रिसर्च करनी है, तब भी आप एक अच्छे इन्वेस्टर जो है वो बन सकेंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़, आपको फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एवरी फ्यू डेज मिलती रहेंगी। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।